प्रिय शिक्षार्थियों, मैं कौमुदी शुक्ला उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आज आपके समक्ष आपका जो पेपर कोड है BEd SE02 जिसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका जो ब्लॉक वन है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, इसी में जो हम यूनिट टू पढ़ रहे थे फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने कई सारे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, इस टाइप की कई सारी विचारधाराएं पढ़ी। आज उसी कड़ी में हम आज आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद और ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद, इन दोनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आपका जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वैसे अगर आप देखेंगे तो ये दो ये विचारधारा अगर आज के समय में देखा जाए तो ये बिल्कुल मटीरियलिस्टिक है, इसमें बिल्कुल ईश्वर की को इग्नोर किया गया है। लेकिन जब ये पनपी थी 20th century के बहुत पहले ही, 19th century में ही इसका जो है जो एक बीज जो बोया गया, और यहाँ पर जो है दोनों ही चीज़ों की बात की गई थी, एक ईश्वरवादी अस्तित्ववादी भी थे और अनीश्वरवादी अस्तित्ववादी बाद में आए। तो ईश्वरवादी अस्तित्ववादी में आप कीकरगार्ड का नाम सुनेंगे या फिर गैब्रियल मार्शल का नाम सुनेंगे, लेकिन इसके जो प्रोपाउंडर माने जाते हैं, जो इसके फादर माने जाते हैं, वो आपके जीन पॉल सात्रे जी माने जाते हैं, जो अनीश्वरवादी जो है विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसके प्रोपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो इसके जो फादर हैं वो ये जीन पॉल सात्रे जी हैं, और चीफ एक्सपोनेंट्स जो हैं इसके है गैब्रियल मार्शल और जीन पॉल सात्रे जी, उसके अलावा कीकरगार्ड और नीत्शे जो है इसमें एक फंडामेंटल रोल में आपको दिखाई पड़ते हैं। फिर और भी लोग हैं जो जैसे आपका जैस्पर है, हीडगार है, और वॉल्टर कॉफमैन भी इस विचारधारा के समर्थक देखे जा सकते हैं। फिर ये एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, अब इसके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो ये एक मटीरियलिस्टिक विचारधारा है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर अस्तित्ववाद, अगर एक हिंदी शब्द को देखें तो ये अस्थि धातु से बना हुआ है, जिसका जो है जो अर्थ है वो होना है यानी टू एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ये आप जो है जितने भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जिस्टेंस के, उसी के बारे में ये बात करता है, जैसा आपको पहली लाइन से ही दिखाई पड़ता है। और ये जो है चॉइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम, इन सब की चीज़ों की बात करता है। फिर ये लोगों को ये जागरूक बनाता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने फ्रीडम, इन सब चीज़ों को के बारे में अवेयर हो, और इसके हिसाब से ही, मतलब वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है किसी चीज़ से बंधा हुआ महसूस ना करें, ठीक है। कोई किसी के पास गाइडेंस के लिए जाते हैं, चार लोग हैं, चार तरह की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम सुनते तो सबकी हैं लेकिन हमें करना अपने मन की है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को जो है ये बहुत ज़्यादा ये अस्तित्ववादी जो समर्थक हैं वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि जो है आप सुनिए तो सबकी, लेकिन आप जिस चीज़ में रिलैक्स फील करें, जिस चीज़ में आपकी इंडिविजुअलिटी हैम्पर ना हो, जिस चीज़ में आपकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट ना हो, उसी चीज़ को आपको फेवर करना है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म इज मेनली अ यूरोपियन फिलोसफी दैट ओरिजिनेटेड बिफोर 20th century। ये आपने देखा होगा कि जैसे मैंने रियलिज्म आपको पढ़ा था, तो रियलिज्म में बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परमेंट को उसने बढ़ावा दिया था, साइंटिफिक एक रिवोल्यूशन टाइप की उसमें आपको दिखाई पड़ी थी। तो यहाँ पर क्या है कि जब उस टाइप का कुछ एक टेम्परमेंट बन गया तो वहाँ पर लॉजिक्स और इस टाइप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिसमें क्या हुआ कि इमोशंस और ये जो सिंपथी या इस टाइप की जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका विनाश दिखाई पड़ रहा था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो साइंटिस्ट थे वो ये बोलते थे कि जो है हमने व्यक्ति को ईश्वर के कब्जे से तो निकाल दिया, लेकिन अब हमने उसको अपनी मशीनों के कब्जे में डाल दिया है, यानी अब जो मनुष्य है वो उन मशीनों से घिरा हुआ है, उन मशीनों के हिसाब से ही काम करता है। तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि साइंस जो है मनुष्य की गुलाम है,
मनुष्य साइंस का गुलाम नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा था, वो ऐसा दिखा रहे थे। आपने उस टाइम पे अगर वर्ल्ड वॉर टू का समय आपने मतलब अगर याद करें तो उस समय पे जर्मनी के 16 भाग हो गए थे, और छोटे छोटे जैसे बेल्जियम जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी उस पर जो है हावी थी। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस टाइम पे कीकरगार्ड और आपका नीचे नीचे के बारे में आपने जैसे सुना भी होगा कि उन्होंने कहा था कि जो है जब तक गॉड का एग्जिस्टेंस है ठीक है तब तक मैन कैन नेवर बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा अपना जो भी चीज़ें हैं मतलब जो भी अगर वो गलत काम करेगा या अच्छा काम करेगा या मतलब वो कुछ करने से पहले सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड के ऊपर थोप देगा कि जो है भगवान जो चाहेगा वही होगा। तो इस टाइप का एक जो चीज़ें थी उसके विरोध में आकर के फिर उन्होंने ह्यूमन बीइंग को अवेकन किया कि आप अपने एग्जिस्टेंस को पहचाने, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचाने, आप अपनी इनेट एबिलिटीज को पहचाने, आप अपने पावर्स को पहचाने, और उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तो शायद आप जो है अपने आप को क्या नेशन को भी बहुत ही एक अच्छे मायनों में उभार कर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई, मैंने शायद आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दिया है। तो ये सीड्स जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के थे वो बहुत पहले के हैं। जैसे आप कीकरगार्ड को देखते हैं तो वो 1813 के आसपास में उनका जन्म है। फिर नीट्शे को देखते हैं तो वो भी 1844 के आसपास का उनका जन्म है। तो और जाकर के अब सात्रे जो मतलब क्योंकि ये बहुत ही मॉडर्न जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है बहुत ही मॉडर्न थ्योरी है, एक मॉडर्न विचारधारा है जिसने बहुत सारे जो मैनकाइंड की बातें की है, ठीक है। तो यही जो मैं आपको बता रही थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो हो गया था आफ्टर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी को फेवर करने वाला हो गया था, वहाँ पर इमोशंस का कोई जगह नहीं थी। तो इस टाइप की चीज़ को और साइंटिफिक वेव पॉइंट में जो है आपका जो इंसान था वो महज एक ऑब्जेक्ट बन के रह गया था। तो इन सब चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा इस पर गहन चिंतन किया गया तो ऐसा देखा गया कि इस टाइप की एक रिवॉल्यूशन आई, ऐसा लोगों के अंदर एक आक्रोश जन्मा जिसने जो है इस विचारधारा को जो है ग्राउंड्स पे पनपने का अवसर दिया। अगेंस्ट दिस सिचुएशन एग्जिस्टेंशियलिज्म इमर्ज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोसाइटी एंड असर्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पर आपको वही चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपको जो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे फिलोसोफर्स इसमें इससे जुड़े हुए मिलेंगे, जिसमें से ये नीचे और कीकरगार्ड, गैब्रियल मार्सल, इनको थीस्टिक एग्जिस्टेंशलिस्ट कहा जाता है, यानी ईश्वरवादी जो है अस्तित्ववाद के फेवर में ये हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया कि कुछ थीम्स हैं जो आप अस्तित्ववाद जब भी पढ़ेंगे तो आपको वो 3-4 थीम्स जो है ज़रूर दिखाई पड़ेंगी। तो एक तो चॉइस है, ठीक है, दूसरा आपका डिसीजन है, फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उसने बस अस्तित्ववादी यही कहते हैं कि इंसान के अंदर ज़्यादा जो है पोटेंशियल है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ठीक है, वो फ्री है, उसको किसी का बंधन नहीं है, वो फ्री है अपने हर एक डिसीजन को लेने के लिए और अपने जो कार्य है उसको करने के लिए। फिर ये कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म की डेफिनेशंस हैं। तो इसमें जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि व्हाट मैन कैन बिकम डिपेंड्स ऑन हिज ओन एफर्ट्स, ठीक है, यानी जो भी इंसान को बनना है वो सब कुछ वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, उसके एफर्ट्स पे, ठीक है, वो कितना प्रयत्नशील है, जितना ज़्यादा वो प्रयत्न करेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। फिर इट प्रोपाउंड्स दैट मैन हैज हिज एग्जिस्टेंस इन हिमसेल्फ एंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू बिकम ही इज फ्री टू सेलेक्ट दैट, ठीक है, उसको बिल्कुल फ्रीडम है, वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आगे चल के ये इसकी लिमिटेशन भी बनी क्योंकि उतना वाइड वैरायटी का करिकुलम देना और फिर उसमें से उसका सिलेक्शन कर पाना तो ये सब बहुत ज़्यादा लेंदी टास्क है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा एक टेक्निकल आस्पेक्ट है, तो उतना ज़्यादा फिर जो है चीज़ों को नहीं किया जा सकता, तो उस तरीके से ये लिमिटेशन भी इसका आ गया। लेकिन ये यही कहते हैं कि इंसान जो है वो फ्री है हर एक चीज़ को ऑप्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें भी वो सूटेबिलिटी अपनी देखता है उसको वो ऑप्ट कर सकता है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म इज सच एन अनबाउंड थॉट
which does not believe in any predetermined philosophical, social, political, economic and scientific theories and laws. ठीक है, ये बिल्कुल अनबाउंड थॉट है. ठीक है, ये किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक इस टाइप की किसी भी थ्योरीज या लॉ में अपने आप को बाउंड करके नहीं रखता. ठीक है, ये बिल्कुल फ्रीनेस की बात करता है. फिर इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. तो जैसा मैं आपको बता ही रही थी कि ये मटीरियल वर्ल्ड को ही अटमोस्ट मानता है. ठीक है, ईश्वरवादी जो सत्ता है उसको इससे बिल्कुल नकारा है. इसीलिए आइडियलिज्म का ये बहुत ही बड़ा एक क्रिटिक है ये. और जो नेचुरलिज्म में जो फ्रीडम की बात की गई, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जो नेचुरलिज्म में जो फ्रीडम की बात की गई है और जो इसमें फ्रीडम की बात की गई है, उसमें दोनों ही फ्रीडम की बात करते हैं. लेकिन अगर आपके प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न आता है और वहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म ही आंसर होगा, नेचुरलिज्म आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो फ्रीडम को हमेशा इसी से डिनोट किया गया है. फिर एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, ये आप कोट हमेशा सुनते होंगे, किसी भी प्रश्न पत्र में भी आपने बहुत सारे देखा होगा. तो ये जो है इसी का एक टेनेट है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का, जो आपके जीन पॉल सार्ट्रे जी का जो है कोट है. देयर इज नो अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, कोई एक अल्टीमेट एम नहीं है, वो एम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियसनेस, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि सारी चीज़ों सबसे बड़ा जो टूल इन्होंने माना है वो एजुकेशन को ही माना है, कि अपने अवेकनिंग जो थॉट्स को अवेकन करने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो एजुकेशन है. तो उस एजुकेशन के थ्रू हमेशा जो एम्स हैं वो चेंज होते रहेंगे. जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे वो एम्स बढ़ते चले जाएंगे. There is no ultimate aim of human life. Man is free to select. ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि man बिल्कुल free है selection के लिए. ठीक है, लेकिन वो welfare oriented होना चाहिए. ठीक है, किसी भी हालांकि इतना ज़्यादा social जो है boundaries पे ये ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी वो welfare होना चाहिए mankind के लिए. ठीक है, तो इस टाइप की ये बात करते हैं. फिर acquainting the child with a natural and social environment, यानी ये चाहता है कि जो बच्चा है उसको हम उसकी social और natural environment में उसको एकदम flourish करें. फिर आपका methods of teaching है, तो कई सारे methods को ये ध्यान में रखता है. जैसे एक intuitive method है, introspection method आपने सुना होगा, तो जिससे ये अपना metacognition level को बढ़ा सके. फिर सोक्रेटीज मेथड है, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस है, टीचर नॉट टू इम्पोज देयर वैल्यूज ऑन स्टूडेंट्स सिंस वैल्यूज आर पर्सनल. ठीक है, क्योंकि ये यही बात करता है कि जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सब पर्सनल हैं. ठीक है, तो जो है पर्सनल वैल्यूज हैं, तो टीचर्स को अपनी वैल्यूज को बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि हर एक जो वैल्यू है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, उसकी कुछ है और वैल्यू, मेरी कुछ है और वैल्यूज, आपकी कुछ और वैल्यूज. तो इस टाइप का टेम्परामेंट रख करके ही टीचर को ये सोचना चाहिए. और एक पर्सनलाइज टीचिंग की बात ये करता है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक टीचिंग की ये बात करता है. ठीक है, कि जैसे आप केस स्टडीज देखते हैं, तो केस स्टडीज में क्या है, वन टू वन जो है टीचर को इंटरेक्ट करना, वन टू वन जो है इंस्ट्रक्शन देना, तो उसकी ये बात करता है. फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट अपोज्ड कलेक्टिव टीचिंग. ठीक है, वही बता दिया आपको कि इंडिविजुअलिस्टिक टीचिंग के फेवर में है, तो कलेक्टिव टीचिंग को ये बिल्कुल अपोज करता है. नेक्स्ट है करिकुलम. करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो वही आपको बताया भी था कि करिकुलम बहुत ही वाइड करिकुलम की ये बात करते हैं, कि बच्चा बिल्कुल फ्री है ऑप्ट करने के लिए जो भी चीज़ वो पढ़ना चाहता है. ठीक है, कोई भी बाउंडेशंस नहीं होने चाहिए, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपना जो वोकेशन है, जो भी वो वोकेशन ऑप्ट करना चाहता है उसके हिसाब से वो बिल्कुल फ्री है किसी भी करिकुलम को पढ़ने के लिए. इंक्लूड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़. ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी मानविकी विषय हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्टिविटी की ओर ध्यान देता है, कि सब्जेक्टिव होना चाहिए. बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी इंसान को बहुत जो है नैरो बना देती है. तो व्यापकता के लिए ये कहता है कि इंसान को सब्जेक्टिव चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. और सब्जेक्टिविटी के लिए साहित्य, आप सब जानते ही हैं कि साहित्य और इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, म्यूज़िक है, आर्ट्स है, ये सब कितना ज़्यादा क्रिएटिव लोगों को करते हैं, बच्चों को करते हैं. तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए ये फेवर आउट करता है. फिर प्रोमिनेंट प्लेस टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी साहित्य को बहुत ही ज़्यादा
प्रोमिनेंट देखता है ये। फिर एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स शुड बी कंपल्सरी, ठीक है, यानी जो एक्सरसाइजेस हैं या जो खेल कूद है ये सब बिल्कुल कंपल्सरी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर नो प्लेस फॉर सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसफी एंड गॉड, ठीक है, गॉड रिलीजन इन सब के बिल्कुल फेवर में नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि गॉड के अस्तित्व को ये नकारता है, तो इसलिए इसने जो है कोई भी प्लेस इस टाइप के सब्जेक्ट्स को देने के लिए बिल्कुल ये वो है कि गॉड और इस टाइप का रिलीजन टाइप का कोई भी सब्जेक्ट बच्चों के जो करिकुलम है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर आपका है एम्स ऑफ एजुकेशन, तो ये जो है सिलेक्शन कहता है कि बच्चे को खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपना जो भी वो एजुकेशन जो भी चीज़ें वो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी चॉइसेस वो ले रहे हैं उसमें उनको खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे जो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स हैं वो ये भी कहते हैं, यही कहते हैं हमेशा कि आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शंस, यानी कि जो भी हमारे कृत्य हैं उसके लिए हमें खुद को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो टू अवेक एग्जिस्टेंशियलिस्ट कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, यानी जो कॉन्शियसनेस के अवेकनमेंट की बात ये करता है और उसमें ये कहता है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो बच्चों को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर टू मेक चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, यानी बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना और करेजियस बनाना ये एक बहुत बड़ा एक जो है एम ये मानता है एजुकेशन का। फिर टू डेवलप एबल ह्यूमन स्पीशीज़, यानी जो भी ह्यूमन स्पीशीज़ है उनको एबल बनाना, ये विचारधारा ये बात का फेवर करती है। फिर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ट्रू डिसिप्लिन की बात करता है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने हर एक कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो ये समझे कि ये जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, यानी उनको उनका इतना कॉन्शियस अवेकन्ड होना चाहिए कि वो गुड और बैड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और एक ट्रू डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएँ, ठीक, इसकी बात करता है। फिर अकॉर्डिंग टू सात्रे देर आर नो मोरल वैल्यूज अदर दैन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सात्रे ने ये कहा भी है कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा, ठीक है, कोई भी वैल्यूज नहीं है और कोई वैल्यूज नहीं है। अगर फ्रीडम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फ्रीडम भी दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो बच्चा ले रहा है, ठीक है, उस चीज़ को विद फ्रीडम रिस्पॉन्सिबल भी है वो, तो जाहिर सी बात है फिर कोई भी जो गलतियां हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इसकी बात करता है कि इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं है, बस बच्चे के अंदर ये जो है उसकी कंसाइंस होनी चाहिए, उसके अंदर ये चेतना जागृत होनी चाहिए कि इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं बिल्कुल फ्री हूँ कोई भी चीज़ करने के लिए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो। फिर टीचर कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है कि वेलकम्स आइडियाज फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है, तभी ये सोक्रेटिस मेथड की बात करते हैं, ठीक है, यानी डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, कि बच्चों के विचार को एक टीचर को जानना चाहिए, हमेशा वेलकम मोड में रहना चाहिए कि बच्चा ही अपने थॉट्स को बताए। फिर नॉट टीच एनीथिंग फोर्सिबली, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ बच्चे को फोर्सफुली नहीं पढ़ानी चाहिए हमें। फिर ओनली असिस्ट चिल्ड्रन इन लर्निंग व्हाट दे वांट टू लर्न, ठीक है, ये बहुत ही मॉडर्न विचारधारा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल चाइल्ड को ही सेंटर में रखकर उसके सारे डोमेन्स को, चाहे वो उसका साइकोलॉजिकल डोमेन हो या फिर उसके जो पर्सनल डोमेन्स हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही ये बताता है कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसको हमें सिर्फ टीचर को एक असिस्टेंस देनी चाहिए, ठीक है, एक जो है असिस्टेंस देनी चाहिए कि बच्चा जो है जो भी लर्न करना चाहता है वो वही लर्न करे और अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर उसे असिस्ट करे। फिर सक्सेस ऑफ टीचर्स लाइज इन द फैक्ट दैट दे कीप द चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम एनी प्रिजुडिसेस एंड प्री डिटरमाइंड फैक्ट्स, कोई भी अपने
जो प्रिजुडिसेस हैं या कोई भी प्री डिटरमाइंड जो टीचर्स का थॉट्स है या टीचर्स की जो वैल्यूज हैं या जो उनकी वे ऑफ थिंकिंग है, उसको कभी भी बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी की बात करता है ये, जब इसके जो हम मेथड्स ऑफ टीचिंग में देखते हैं तो ये सेल्फ डिस्कवरी की भी बात करता है, ह्यूरिस्टिक मेथड की भी बात करता है, सिर्फ इसी वजह से कि बच्चा खुद से चीज़ों को जाने, खुद से समझे, खुद से डिस्कवर करे। इस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर है उसको स्टूडेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा बहुत ही फ्रैंकली अपनी चीज़ों को टीचर से कम्युनिकेट कर सके। फिर स्कूल कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म सपोर्टर जो बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट अपोज ट्रेडिशनल स्कूल्स, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे उनके फेवर में नहीं है। इंडिविजुअल टीचिंग इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव टीचिंग, ठीक है, ये इंडिविजुअलाइज टीचिंग की बात करते हैं रादर देन कलेक्टिव वन। फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉर हाइएस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी ये भी कहते हैं कि ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनके थ्रू एक हायर इंटेलेक्ट डेवलप हो, ठीक है, तो ये इसके भी फेवर में है। फिर इसकी जो लिमिटेशंस की मैं बात कर रही थी, तो सबसे पहला तो आप यही समझ लीजिए कि जो एक इसकी जो जब ये विचारधारा पनपी तो उस टाइम पे जो एक ईश्वरवादी जो लोग थे और जो अनीश्वरवादी थे उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो एक थोड़ी इसकी लिमिटेशन दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन विल अराइज इन एनीबडीज माइंड, हाउ कैन द एम्स, करिकुला एंड मेथड्स इन अ स्कूल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स चॉइसेस एंड फ्रीडम। जो मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के हिसाब से करिकुलम जो है वे ऑफ टीचिंग और एम्स, ठीक है, या जो भी मेथड्स हैं उनको कैसे जो बना पाना या फिर उनको फ्रेम कर पाना, ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच ए प्रोग्राम वुड बी इम्पॉसिबल एंड ब्रिंग अबाउट क्योस, यानी इस टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन कर पाना ये थोड़ा सा एक ट्रिकी काम है। फिर उसके बाद में द टीचर्स इंडिविजुअल रिलेशनशिप एंड क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी पीपल्स पर्सनैलिटी वुड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, क्योंकि टीचर के ऊपर बहुत बड़ा ये टास्क दिया गया कि वो इंडिविजुअल नीड्स को, ठीक है, जो चाइल्ड है उसकी इंडिविजुअल नीड्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लिमिटेशंस, उसका इंटरेस्ट, वो सारी जो भी जो आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो उनकी स्टडी करके ही चीज़ों को फ्रेम करें, तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन हुई। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म टेक्स इनटू कंसिडरेशन द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या क्या फेवर करता है, वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके माध्यम से आप एक रीकैप कर सकते हैं। तो ये क्या फेवर करता है कि ह्यूमन की फ्री विल होनी चाहिए, ठीक, ह्यूमन नेचर इज चोजन थ्रू लाइफ चॉइसेस, ठीक है, यानी उस बिल्कुल फ्री है हर एक चीज को चॉइस आउट करने में, यानी वो डिसीजन लेने में खुद ही सर्वोपरि है, वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने हर एक डिसीजन की। फिर अ पर्सन इज बेस्ट व्हेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल नेचर फाइटिंग फॉर लाइफ, ठीक है, ये जो विचारधारा है ये चाहती है कि बच्चे को उसकी जो लाइफ के हर्डल्स हैं उसमें बिल्कुल उसका उसको मैच्योर बनाना, ठीक है, कि वो उन हर्डल्स को क्रॉस कर सके। फिर डिसीजंस आर नॉट विदाउट स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और डिसीजंस जब भी इंसान लेगा तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत परेशानी आएंगी, स्ट्रेस आएंगे, उसके रिजल्ट्स हो सकता है कभी गड़बड़ भी आ सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। देर आर थिंग्स दैट आर नॉट रैशनल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन इज क्रूशियल, ठीक है, ये कहता है कि जो पर्सनल डिसीजन है या जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो डिसीजन है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिसिप्लिन है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फिर सोसाइटी इज अननेचुरल एंड इट्स ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड सेक्युलर रूल्स आर आर्बिट्ररी, ठीक है,
क्योंकि सोसाइटी जो है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, ठीक है, सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा मास्क पहना हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो, और जो इसके ट्रेडिशनल जो बिलीव्स है, सिस्टम है, या जो भी रिलीजियस टेम्परामेंट है, वो सब का सब क्या है कि वो आर्बिट्ररी है, ठीक है. फिर वर्ल्डली डिजायर इज फ्यूटाइल, यानी वर्ल्डली जो डिजायर्स हैं वो बिल्कुल व्यर्थ हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं और इस टाइप की चीज़ भी बहुत व्यर्थ है. एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ब्रॉडली डिफाइंड. अब यहाँ पर देखिए वो फेवर की चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें वो फेवर आउट नहीं करता उसके बारे में बात करता है. तो वेल्थ, प्लेजर और ऑनर, ये जो है ये सब चीज़ों को ये फेवर नहीं करता, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा वेल्थ और बहुत ज़्यादा खुशियाँ और ऑनर, इन सब चीज़ों को नहीं, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि यही सब गुड लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर सोशल वैल्यूज़ एंड स्ट्रक्चर कंट्रोल्स कंट्रोल द इंडिविजुअल, ठीक है. ये भी नहीं कहता कि जो सोशल कंट्रोल है या फिर जो सोशल वैल्यूज़ है, जो ये सब जो है इंडिविजुअल को फ्रेम करने में मददगार है. फिर एक्सेप्ट व्हाट इज़ एंड दैट इज़ इनफ इन लाइफ, ठीक है. ये भी जो है सपोर्ट नहीं करता कि जो भी है वो इनफ है, ठीक है. फिर साइंस कैन एंड विल मेक एवरीथिंग बेटर, ठीक है. साइंस ही सब चीज़ों को बेटर कर सकती है, ये इसको भी फेवर नहीं करता. हालांकि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इसने इनकॉर्पोरेट किया है अपने उसमें सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बिलीव नहीं करता. पीपल आर बेसिकली गुड बट रूइंड बाई सोसाइटी और एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ों को सपोर्ट करता है और ये इन सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, कि जो है इस ये मेरी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करता है. तो जाहिर सी बात है आप जो भी एक्शंस कर ले उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसकी बात करता है. तो ऊपर से आपको सब चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी कि जो गुड लाइफ के लिए वेल्थ, प्लेजर, ये ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करता है. तो ये इस तरीके से ये हमारा जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, तो इस तरीके से हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर जो है बात आज अपनी चर्चा ख़त्म कर दी है. तो आपको जो भी क्वेरीज हो उन सबको आप मुझे चैट के माध्यम से या फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में विजिट करके भी अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं. बाकी जो ह्यूमनिज्म है वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में बात करेंगे उसकी.